तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि फिरोज ने एक पार्टी रखी थी जिसमें हम भी गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी किसी ने भी उम्मीद ना रखी हो। अब देखो, आपको याद होगा कि जब हम उस पार्टी में गए थे तो लगभग 5 से 10 मिनट तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ अपनी जगह पर चल रहा था। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उस दिन हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सुबह से शाम तक हमने काम किया था जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना 5-10 मिनट तक पार्टी की इंजॉय करते हैं, उसके बाद निकल लेंगे अपने घर पे, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे। जैसे ही मैं वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठता हूँ, तभी मुझे थोड़ी देर बाद, कम से कम 1 या फिर 2 मिनट बाद, मुझे फिरोज का कॉल आता है और वो कहता है कि भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और गाइस वो गड़बड़ ये होती है कि वहाँ पे जो माजिन बू गैंग होती है वो वहाँ पे अटैक कर देती है। अब देखो, आपको ये याद होगा कि वो जो पार्टी थी उसमें ड्रिंक वगैरह सब कुछ खुला चल रही थी, तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी बंदे थे फिरोज के, उन्होंने सब ने ड्रिंक कर रखी थी और इसकी वजह से सारे के सारे भाई होश खो बैठे थे। और इसी का फ़ायदा उठा के माजिन बू गैंग ने वहाँ पे अटैक कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ पे जितने भी बंदे थे फिरोज के, उन सबको मारा। और उसके बाद फिरोज का जो भाई था मकबूल, जो कि कल ही लॉस सैंटोस आया था, उसको वहाँ से वो उठा के ले गए अपने साथ। अब फिरोज था वो जैसे तैसे करके वहाँ पे छुप गया, अपनी जान उसने बचा ली। और उसके बाद हम गए वहाँ पे दोबारा से उसी जगह पे जहाँ पे पार्टी हो रही थी, और फिरोज को सही सलामत वापस लेके आ गए। अब देखो, फिरोज बच गया, ये तो ठीक है, वो तो बच गया, लेकिन उसका जो भाई है मकबूल भाई, वो पकड़ा गया। वो जो बंदे थे उसको पकड़ के ले गए, और हमें पता है कि वो उसको कहाँ ले गए होंगे। माजिन बू गैंग के बंदों ने अटैक करा है, तो इसका मतलब साफ है कि माजिन बू गैंग के बंदों ने फिरोज को, जो भाई है मकबूल है, उसको लेके गए होंगे माजिन बू के पास में। तो देखो, अभी हम चलने वाले हैं फिरोज के पास, क्योंकि कल रात को जो फिरोज था मैंने उसको बचा के उसके घर पे छोड़ दिया था, लेकिन अभी हम जाने वाले उसके पास में। उसका मुझे सुबह सुबह कॉल आया था, उसने कहा कि उसने ना कुछ प्लानिंग वगैरह की है, कुछ बातचीत हमसे भी करना चाहता है कि आखिरकार हम मकबूल को वहाँ से कैसे बचा के ला सकते हैं। क्योंकि जो माजिन बू गैंग है, आपको पता है कि उससे जो अपनी दुश्मनी है भाई, वो दिन पर दिन बढ़ती गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो इसीलिए उसने देखो मौके का फ़ायदा उठा के पार्टी में अटैक करा, वहाँ से जो उसका भाई था मकबूल था उसको वहाँ से उठा लिया, और अभी उसने उसको अपने पास रखा है। तो अभी हम चलने वाले हैं से सीधा फिरोज के घर पे, वहाँ चल के कुछ प्लान वगैरह बनाएंगे और देखते हैं कि आखिरकार फिरोज ने क्या सोचा है। क्योंकि देखो, उसने अपने भाई को बचाना है, उसका इकलौता भाई है, और वो जैसे तैसे करके कुछ भी करके वो अपने भाई को बचाना चाहता है। तो देखो, इसमें हम उसका साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बंदे थे जो फिरोज के, वो भी मारे गए थे। और गाइस आपको पता है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन गए थे उस पार्टी में, और उनको भी बहुत ही गंदी चोट आई है, जिसकी वजह से अभी वो हॉस्पिटल में है। अभी उनकी हालत ठीक है भाई, दोनों मरते मरते बचे हैं। एक तो भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक कर रखा है, मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट मैं यहाँ से निकलूँ, सीधा फिरोज के पास चलते हैं, ठीक है, उससे बात करते हैं। और हमें भाई जल्दी से प्लान बनाना पड़ेगा, क्या पता जो माजिन बू है वो फिरोज के भाई है, यानी कि मकबूल है, उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम सीधा फिरोज के घर के लिए। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं अपनी कार को लेके आ चुका हूँ फिरोज के घर के पास में। और देखो, पिछली बार हमने कितना अच्छा सोचा था कि ये जो अपनी कार है इसको हम बेचेंगे, उसके बाद इसकी जगह पे हम एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही तगड़ी कार खरीदेंगे। भाई सारे अरमानों पे पानी फिर गया। देखो, यहाँ पे कार को ख़रीदने से इम्पोर्टेंट अभी ये है कि हम फिरोज का जो भाई है यानी कि मकबूल है, उसको आखिरकार हम कैसे बचा सकते हैं माजिन बू गैंग से। वैसे फिरोज मुझे आसपास दिख नहीं रहा भाई, वो चला कहाँ गया? उसने कहा था मैं घर पे हूँ फिलहाल, यहाँ पे बाहर, वैसे ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे आसपास दिख नहीं रहा, सामने भी नहीं बैठा। एक मिनट, थोड़ा सा आगे चल के देखता है, क्या पता यहाँ पे कोने में आराम से बैठ के अपने बंदों से बातचीत कर रहा। वैसे इसने ना अपने घर की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ा दी है। ठीक है, काम करता हूँ, यहाँ पे ना इस बंदे से पूछता हूँ कि आखिरकार फिरोज अभी है कहाँ पे, क्योंकि मुझे आसपास यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा भाई वो। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे मैंने इस बंदे से बात करी, और ये बंदा कह रहा है कि जो फिरोज है वो अभी अपने घर के अंदर है। उसने ना 2-3 बंदों को बुलाया और उनसे बैठ के वो आराम से बात कर रहा है। मुझे पता यार उसने 2-3 बंदों को क्यों बुलाया, ताकि उनसे बातचीत करके, उनसे कुछ सलाह मशवरा करके अपने भाई को बचाने के कुछ ना कुछ तो वो प्लान बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसके घर के अंदर आ चुके हैं पहली बार। आपको पता है कि पहली बार हम फिरोज के घर के अंदर आए हैं, नहीं तो हम ज़्यादातर घर के बाहर से निकल जाते थे। तो ठीक है, देखो यहाँ पे ये बैठ रखा फिरोज, और यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं। वैसे यहाँ पे आज तक इन तीनों में से मैंने किसी को भी नहीं देखा यहाँ पे, मुझे लग रहा कि ये इसके कुछ खास बंदे हैं जिनसे बातचीत कर रहा है।
तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी ना यहाँ से फिरोज से पूछते हैं कि आखिरकार हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे का जो प्लान वो क्या है। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे हम पांचों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत चली थी, लेकिन अभी यहाँ पे फिरोज किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। जितना मुझे लग रहा है ना, ये अभी अपने किसी खास बंदे या फिर किसी खास जासूस से बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें बड़ा पता लगने वाला है, देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे फिरोज की उस बंदे से बात हो चुकी है। अब यहाँ पे जिस बंदे को फिरोज ने कॉल करा था वो इसका बहुत ही खास बंदा था। अब देखो, वो जो बंदा है यहाँ पे, उसने थोड़ा बहुत पता तो लगा लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा खास उसको पता नहीं चला। अब देखो, यहाँ पे हमें ये पता लग चुका है कि जो माजिन बू है उसने मकबूल को लॉस सेंटोस में नहीं, लॉस सेंटोस से कहीं बाहर जाके रख रखा है, लेकिन हमें नहीं पता उसने कहाँ पे रखा है। अब देखो, इससे ज़्यादा वो जो बंदा था वो पता लगा नहीं पाया, लेकिन उसने क्या है कि एक बंदा है जो कि हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। अब देखो, यहाँ पे वो जो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मतलब गैंग उनका बंदा नहीं है, वो किसी गैंग का बंदा नहीं, लेकिन उसकी पहचान बहुत है, उसकी जान पहचान बहुत दूर दूर तक है। और यहाँ पे वो जो बंदा है फिरोज का, वो कह रहा है कि अगर हम उससे जाके बात करते हैं और अगर हम पूछते हैं यहाँ पे मकबूल के बारे में, तो हमें ज़रूर से कुछ ना कुछ पता लग सकता है। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे अपने पास यहाँ पे सिर्फ एक ही मौका है कि हम जाते हैं उस बंदे के पास जिसकी ये बात कर रहे हैं, उससे चल के फटाफट हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार उसको मकबूल के बारे में पता है या फिर नहीं, क्योंकि वही अपनी एक आखिरी उम्मीद है। अब देखो, यहाँ पे माजिन बू ने भाई मकबूल को लॉस सेंटोस से बाहर ही कर दिया। उसको पता था कि अगर वो लॉस सेंटोस में उसको रखेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके हम आराम से यहाँ पे उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन भाई वो बहुत ही तेज निकला, यहाँ पे उसने उसको कहीं और ही छुपा दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं हम सीधा उसी जगह पे। और वो जो बंदा जिसके मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ना एक टैटू की शॉप है, तो अभी हमें वहीं पे चलना है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी फटाफट चलते हैं हम उसी बंदे के पास, देखते हैं कि आखिरकार उससे हमें बात करके क्या पता चलने वाला है। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे मैं अपनी कार को लेके आ चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे उस बंदे की टैटू की शॉप है। देखो, जो फिरोज का बंदा है ना, उसने कहा था कि इसी एरिया में उसकी एक टैटू की शॉप है। मैं आ चुका हूँ उसी एरिया में, बट ठीक है बोरी देखो वहाँ पे लिख रखा है टैटू। तो भी एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी कार को यहाँ पे खड़ा करते हैं, उसके बाद चल के इस बंदे से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इसको कुछ पता है या फिर नहीं। वैसे फिरोज के बंदे ने कहा था कि इसको पक्का कुछ ना कुछ पता होगा मकबूल के बारे में, तो अभी चलते हैं अंदर। ठीक है, आई थिंक यही वो बंदा है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी फटाफट इससे बात करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इस बंदे को मकबूल के बारे में कुछ पता है या फिर। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे ना गाइस, इसको ना कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, मतलब इसको नहीं पता कि जो माजिन बू है उसने मकबूल को कहाँ पे छुपा के रखा है। लेकिन जब मैंने कुछ और पूछा माजिन बू गैंग के बारे में, तो यहाँ पे इसने एक बहुत ही काम की बात बताई है जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। अब देखो यहाँ पे इसने ये बताया कि जो माजिन बू है उसका ना एक राइट हैंड भी है जिसका नाम बाबर है। अब यहाँ पे जो बाबर है वो ना मतलब जो माजिन बू है वो बाबर को अपना छोटा भाई मानता है और यहाँ पे उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है कि अगर हम बाबर को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे माजिन बू है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। और यहाँ पे इस बंदे ने एक कमाल की बात और बताई है, और वो बात ये है कि वो जो बाबर है वो हर रोज़ शाम को 6 से 7 बजे के करीब एक क्लब में आता है। वो जो क्लब है वो मतलब लॉस सैंटोस के अंदर ही है। उस क्लब का नाम उसने बहामाज नाम है उस क्लब का। और यहाँ पे जो बाबर है वो रोज़ आता है 6 से 7 बजे के करीब। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है कि अगर हम बाबर को पकड़ लेते हैं, अगर उसको हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम माजिन बू गैंग को बोलते हैं, माजिन बू उसको बोलते हैं कि अगर तूने मकबूल को नहीं छोड़ा तो हम बाबर को मार देंगे, क्योंकि जो बाबर है वो उसका बहुत ही खास बंदा है, एक तरह से उसका भाई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गाइस अपना जो काम है वो यहाँ पे बन सकता है। क्या पता हम इसकी मदद से, जो बाबर है उसकी मदद से हम मकबूल को बचा सकते हैं। तो देखो अभी वैसे यहाँ पे दोपहर के 1 या फिर 1:30 बज रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शाम होने का वेट करना पड़ेगा। गाइस देखो, अगर हमारे हाथ से बाबर निकल जाता है तो यहाँ पे अपने पास कोई भी चांस नहीं होगा फिरोज के भाई यानी मकबूल को बचाने के लिए। तो गाइस देखो, यहाँ पे ना अपनी कार को मैं लेके आ चुका हूँ एक जगह पे जहाँ पे अभी एक ट्राई एथलोन होने वाली है। अब जिनको नहीं पता कि ट्राई एथलोन क्या होती है, कि मैं बताता हूँ कि देखो ये भी ना एक तरह की जो मैराथन होती है उसी की तरह होती है, लेकिन इसमें 3 तरह की रेस होती है। एक होती है स्विमिंग, एक होती है बाईसाइकिलिंग और एक होती है अपनी सिंपल रेस। तो देखो मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पे शाम होती नहीं है, क्योंकि जो बाबर है वो 6 से 7 बजे के करीब क्लब में आएगा,
तब तक यहाँ पे हम काम करते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम पास करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे ट्राई एथलोन करने। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना जो नाम वगैरह है वो यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर ये लाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और जल्दी से ये जो रेस है, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में जो रेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पे यार भाई मैंने क्या पहन लिया भाई, ऊपर तो चलो ठीक है जो टी शर्ट है, लेकिन नीचे भाई मैंने पता नहीं कौन सी जींस पहन रखी है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे जो रेस है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है और देखते हैं कि आखिरकार इस रेस में जो अपनी पोजीशन है वो क्या आती है। क्योंकि आज तक देखो हमने भाई सिर्फ कट्टा वगैरह गोली वगैरह चलाई है, बंदूक से काम लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे असली मजा आने वाला है, अपना स्टैमिना हम देखेंगे। ठीक है, भागो भाई भागो। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 बंदे हैं, सबसे पीछे हैं हम भाई, यहाँ पे शुरुआत में सबसे पीछे तू निकलते रही यहाँ पे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बेशक यहाँ पे भाई हम थोड़े गैंगस्टर है बट यहाँ पे अपने अंदर भाई फुर्ती भी बहुत है, तो ये तो रेस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ही जीतने वाला भाई। ये सब अपने आगे ना चुन्नू मुन्नू है, तो अभी एक काम करते हैं। देखो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ये स्विमिंग का। ठीक है, स्विमिंग के बाद आएगी अपनी बाइसाइकिलिंग और उसके बाद आने वाली है अपनी सिंपल रेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चेक पॉइंट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, एक चेक पॉइंट सामने है। ठीक है, सामने मुझे ठीक है एक चेक पॉइंट है, उसके बाद जो अपनी साइकिलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वैसे एक बार मैं देखूँ ये बंदे कितनी पीछे, वैसे सबसे पहले भाई साहब हम सबसे आगे हैं भाई, यहाँ पे हम पहली पोजीशन पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे जो पहली पोजीशन है हमने वो बरकरार रखनी है, तो अभी फटाफट ठीक है हम जो चेक पॉइंट है उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और ये बंदे मैप में देखो कितनी पीछे हैं भाई साहब, अपने से बहुत ही ज़्यादा पीछे भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अपना ही फायदा है, यहाँ पे फटाफट हम निकलते हैं सीधा आगे की साइड में। ठीक है, वो रहा है यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें जो अपनी बाइसाइकिल है वो यहाँ से उठानी पड़ेगी। भाई ये तो बहुत पीछे है, देखो यहाँ पे न्यूज़ वगैरह में सब कुछ आ चुका है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ वगैरह हमने अभी नहीं देखनी, अभी हमें फटाफट चलना है। ओके, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे फिनिशिंग लाइन के पास में। ओके, ये कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑन बाइसाइकिल। चलो यहाँ पे, ओ भाई ये तो बहुत पीछे है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अभी बहुत पीछे, तो सबसे आगे वाली जो बाइसाइकिल है हम उसको उठाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट। हमें जल्दी से यहाँ पे जो कंप्लीट करनी है ये रेस सबसे आगे। ओ भाई मेरे सामने एक बंदा आ चुका है, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ पे फटाफट हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे फटाफट जो अपनी बाइसाइकिल है उसको हम भगाते हुए निकलते हैं भाई साहब। अभी तो हम पहली पोजीशन में, देखते हैं कि आखिरकार आखिर में जाके हम कौन सी पोजीशन में आने वाले। यार नीचे नहीं, ट्रैक से नीचे नहीं उतरना, नीचे ना सैंड है तो उसकी वजह से अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, इसलिए जो ट्रैक है हमें ज़्यादातर उसी के ऊपर रहना है। ओके भाई, वो बंदे बहुत पीछे हैं भाई, कसम से वो बंदे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं भाई। ऐसी जो पोजीशन है वो बरकर, नहीं 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 नहीं, अबे शिट शिट भाई भाई भाई, नहीं नहीं यार ये एक टेबल टूबल किसने रखे हैं बीच में भाई यहाँ पे। शिट, ओ भाई सारे आगे निकल रहे हैं, अबे जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ अपनी बाइसाइकिल, उठा भाई जल्दी यार। शिट, यहाँ पे हम सिक्स पोजीशन पे भाई यार। शिट शिट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी सेवन्थ पे चलेंगे भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी तो भाई पूरी रेस बाकी है। ठीक है, अभी तो ये दूसरा पड़ा हुआ है, इसके बाद जो सिंपल रेस है वो भी होने वाली है, लेकिन कोई नहीं, अभी जो पूरी की पूरी रेस है हम यहाँ पे कंप्लीट तो कर देंगे आराम से, लेकिन कंप्लीट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट आना है। ओके, यहाँ पे जल्दी अभी स्पीड पकड़ना। ओके ओके, यहाँ पे ना इनको मैं मार भी नहीं सकता, अगर मैंने इनको मारा ना तो भाई मैं सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊँगा, इसलिए यहाँ पर हमने भाई बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल हमने जो फेस रेयर क्या कहते हैं उसको फेयर होती है ना, हमने वही यहाँ पर रेस करनी है। ओके, यहाँ पर अभी भी जो अपनी पोजिशन है वो अभी फोर्थ पे है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हमने कुछ बंदों को पीछे छोड़ दिया तो हम जो आगे के चार बंदे हैं उनको भी आराम से हम पीछे छोड़ देंगे। ओके नाइस नाइस, यहाँ से अपनी साइकिल छोड़ो और अभी अबे तेरी तो निकल। हाँ मैंने नहीं गिरा भाई, मैंने गिरा नहीं है, यहाँ पे खुद ही जाके गिरा, फटाफट भागो यहाँ पे। ओ ठीक है, अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पे अभी फर्स्ट पे आ चुकी है। ओके भाई गाइस, देखो ये जो लास्ट पड़ा हुआ है रेस का, बस यहाँ पे हमें भाग के जो अपनी फिनिशिंग लाइन है उसको यहाँ पे टच करना है। ओहो काफ़ी बंदे पीछे आ रखे हैं भाई सपोर्ट करने के लिए, और आराम से गाइस अभी हम यहाँ पे आराम से जीतने वाले हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब ये बंदा मेरे काफ़ी क्लोज आ रहा है भाई, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है कोई। ओ भाई देखो यहाँ पे, बस यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है और जो अपना चेक पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ओके यहाँ पे एक चेक पॉइंट ये हो गया और वो रहा सामने की तरफ फिनिशिंग लाइन। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे आके, अरे भाई ये तुम्हें थोड़ा सा पास है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ओके लेट्स गो, आखिरकार ये जो रेस है हम यहाँ पे जीत चुके भाई। ठीक है ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस जो अपनी वो यहाँ पे आ चुकी है भाई साहब, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आखिरकार हमने इस रेस को पूरा कंप्लीट किया, साथ ही साथ
हम फर्स्ट भी आ चुके हैं भाई, थोड़ा ठंडा वगैरह पी लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ना देखते देखते आखिरकार यहाँ पे शाम हो चुकी है और यही टाइम है बाबर के क्लब में आने का। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से अपनी कार को लेकर निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने फिरोज को भी कॉल करके बोल दिया कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बाबर को पकड़ने, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो जल्दी से अपने बंदों को मेरे पीछे भेज दिया। तो अभी एक काम करा जाए, यहाँ पे वो जो क्लब है ना बहामास क्लब, वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो अभी हम फटाफट अपनी जो कार है उसको जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं। और देखो बाबर अगर उस क्लब में आ रहा तो इसका मतलब वो अकेला तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अभी यहाँ पे जो मामला है वो बहुत ही गर्म है, तो इसका मतलब वो अपने साथ कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कुछ ना कुछ बंदे जरूर लेके आएगा। लेकिन कोई नहीं गाइस, देखो अभी अपने पास सिर्फ एक यही मौका है, बच गया। अगर ये पिटता भाई, अगर इसने काट होगी उतने मेरा पक्का पिटता है। तो गाइस देखो मैं कह रहा था कि ना अपने पास यही एक मौका है कि अगर बाबर को आज पकड़ लेते, क्योंकि अगर वो आज छूट जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लब वगैरह आना बंद कर देगा, काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अभी हमें आज ही आज में उसको पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे ना अपनी कार को मैं लेके आ चुका हूँ उसी क्लब के पास में, ठीक है। देखो ये रहा वो क्लब। तो भाई यहाँ पे बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, एक मिनट। अब सॉरी, चलो अभी जो अपनी कार है मुझे इसको यहाँ पे साइड में खड़ा करना पड़ेगा। वैसे बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब जो बाबर है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से पहुँच चुका है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। और देखो आगे तीन चार कार खड़ी है, और जितना मुझे लग रहा है कि ये कार ना बाबर की है। लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ पे मुझे अंदर से साउंड आ रहा है कि जो पार्टी वगैरह वो चल रही है, तो ठीक है यहाँ पे हम अंदर चलते हैं। और अगर यहाँ पे जो बाबर वगैरह है वो अगर यहाँ पे मतलब नशे में धुंध होंगे तो हम आराम से उसको पकड़ के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ज़्यादा सिक्योरिटी हुई, ज़्यादा बंदे हुए, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन कोई नहीं, हमें जैसे तैसे करके आखिरकार आज बाबर को यहाँ से लेके जाना है। तो ठीक है अभी हम आ चुके हैं इस क्लब के अंदर। ओके ये रहा इसका गेट, तो अभी फटाफट चलते हैं इसके अंदर से, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ी पार्टी चल रही है भाई यहाँ पर, ठीक है अंदर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उसको ढूँढूँगा कैसे, मतलब यहाँ पे फिरोज़ ने उसकी फ़ोटो तो मुझे भेज दी थी बाबर की, लेकिन यहाँ पे भाई साहब काफ़ी सारे बंदे हैं और यहाँ पे अच्छे से इनकी शक्लें भी दिख नहीं रही भाई। यहाँ पे पास पास जाके मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा किसकी फ़ोटो ले रहा है भाई तू यहाँ पे। ये तो नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। और भाई साहब यहाँ तो काफ़ी सारे बंदे हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि बाबर आखिरकार है कहाँ पे। सबसे पहले अपनी गन को मैं अपने हाथ में ले लूँ कि क्या पता यहाँ पे कोई पंगे वगैरह हो गए तो यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाबर को मैं कैसे ढूंढूँ, यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे वो दिख चुका है। देखो वो रहा अपने जस्ट पीछे, ये जो बंदा खड़ा ना जिसके हाथ में ड्रिंक की बोतल है, इसके पीछे वो बाबर खड़ा रखा है। इसके साथ में इसके दो चेले भी हैं, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे ये तो नशे में है भाई। एक काम करते हैं, तेरी निकल यहाँ से, निकल 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 और पियो पियो। पीछे पीछे से कौन मार, अबे भाई सिक्योरिटी गार्ड निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा भाई मैं, तुम क्यों मार रहे हो बिना फालतू में, निकल यार, निकलो निकलो, कोई नहीं है ठीक है यहाँ पे। अबे ये मरा नहीं, इसके गोली दी तो थी मैंने यहाँ पे, तेरी निकल, खोपड़ी पे दूंगा सीधा। और हाँ जी अब बारी है भाई तुम्हारी, हैं तुम्हारी बारी है, चलो चलो नीचे घुटने टेक लो भाई, इनको कटाई बहुत होगी। तो ठीक है अभी यहाँ पे इसको हमें लेके जाना बाहर की साइड में। यहाँ पे इसके जो दो चूजे थे उनको तो हमने आराम से पकड़ लिया, और अभी आखिर अबे कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे कटाई होगी बहुत। तो ठीक है अभी यहाँ पे इसको मैं बाहर लेके आ चुका हूँ, आराम आराम से चल आगे चलता रहा बेटा। अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सीधा भाई यहाँ पे मैं इसको ऊपर भेजूंगा। तो ठीक है अभी तक सब कुछ ठीक है, अभी आराम आराम से। ओ तो पुलिस वालों की कार भाई, यहाँ पे पुलिस वाले नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चलो शुक्र यहाँ पे नहीं है वो। तो ठीक है अभी फटाफट इसको कार में बिठाते हैं और जल्दी से इसको यहाँ से हम लेके निकलते हैं सीधा फिरोज के पास में, क्योंकि अभी वही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आखिरकार यहाँ पे बाबर का क्या करना है। अब देखो यहाँ पे इसके बंदों को पता चले, माजिन बू को पता चले, उससे पहले पहले हमें जल्दी से यहाँ से बाबर को लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे माजिन बू को पता लग गया तो यहाँ पे हमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे वो इसको आराम से बचा के ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। और जब तक यहाँ पे मैं क्या कहते हैं फिरोज को फोन करके बुलाऊंगा तब तक यहाँ पे बहुत देर हो जाएगी, तो इसीलिए अभी जल्दी से हमें इसको यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा। वैसे इसके साथ जो दो बंदे थे उनको तो मैंने मार दिया, और मुझे इसके साथ और कोई तीसरा चौथा बंदा दिखा नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि अभी हम आराम से इसको यहाँ से लेके निकल सकते हैं सीधा फिरोज के पास, ठीक है। अभी जल्दी से चलते हैं अपनी कार को लेके यहाँ से, और यहाँ पे बस अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो भाई इसके साथ मैं वही करूँगा जो कि करना चाहिए, ठीक है इसकी, या फिर एक टांग पे गोली बचेगी या फिर कहीं और, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसको हमें ज़िंदा लेके जाना है, क्योंकि अगर मैंने इसको अगर मार दिया तो यहाँ पे हम मकबूल को बचा ही नहीं सकते। तो गाइस देखो अभी जो बाबर है मैं उसको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ फिरोज के घर के पास में। वैसे इसने ना रास्ते में मतलब कोई दिक्कत नहीं दी,
ना ही तो इसने भागने की कोशिश करी, ना ही इसने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करी। और देखो अभी हम इसको लेके आ चुके फिरोज़ के घर के पास। वैसे देखो अगर इसके दिमाग में चलता है ना कि यहाँ से भाग सकता है, तो भाई इसकी गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फिरोज़ के इतने ज़्यादा बंदे हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो भाई यहाँ से भागने की तो ये सोच ही नहीं सकता। नहीं तो अगर ये भागता भी है ना बाई चांस, तो भाई जितने बंदे हैं ना सारे के सारे पकड़ के इसको भून देंगे। तो ठीक है अभी फटाफट चलते हैं फिरोज़ के पास, वही इसका कुछ करेगा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता है कि क्या करेगा, इसको एक मोहरे की तरह यूज़ करेगा ताकि वो अपने भाई यानी कि मकबूल को बचा सके। तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर। वैसे मैंने बता दिया था उसको फिरोज़ को कि वो इसको लेके आने वाला हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत सिक्योरिटी और बढ़ा दी है ताकि अगर माचिन बू को पता लग जाता है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि उसको पता लगा होगा कि हमने बाबर को यहाँ पे पकड़ लिया है। और वैसे कुछ देर में थोड़ी टाइम में उसको पता भी चल जाएगा, लेकिन कोई नहीं अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो बाबर है वो अभी अपने इलाके में है। ठीक है ये अपने इलाके में शेर है, लेकिन हमारे इलाके में ये अभी है। तो ठीक है अभी यहाँ पे और ठीक है ये रहा देखो ये फिरोज़ यहाँ पे फ़ोन पे लगा। भाई साहब सुबह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर ही रहा है आज। अब ए भाई साहब ये कहाँ भाग गया अभी? भाई भाई अभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, एक मिनट गन निकालो अपनी, भाई छलनी कर दूंगा। भाई साहब ये अभी तो मेरे पीछे था, एक मिनट ये चला कहाँ गया, अपनी पिस्टल निकालो। अच्छा भाई ऊपर नहीं आ जा रहा है इससे, देखो पी के इतना ज़्यादा टूल है ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। तो गाइस देखो अभी ना यहाँ पे फिरोज़ ने हमें बता दिया है, मतलब हमारी बात हो चुकी है, और फिरोज़ कह रहा है कि देखो अभी हम जाने वाले हैं माजिन बू से बात करने, लेकिन अभी नहीं, अभी काफ़ी रात हो रही है, तो इसलिए फिरोज़ कह रहा है कि अभी जाके तुम आराम करो, ठीक है तब तक ये बाबर से बातचीत करेगा, पता नहीं भाई इसकी कटाई वगैरह ना करे वो। तो देखो अभी यहाँ पे हम चल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सोते हैं, और कल सुबह हम चलने वाले हैं माजिन बू से यहाँ पे बात करने। ठीक है यहाँ पे फ़ोन करके फिरोज़ ने उसको बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है, हमने बाबर को पकड़ लिया है, और अगर तू उसको छोड़ता नहीं है मकबूल को तो हम बाबर को मार देंगे। तो यहाँ पे उसने हमें एक मीटिंग में बुलाया ताकि हम वहाँ पे बातचीत करें, थोड़ा सलाह मशवरा करें और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो सुबह है वो हो चुकी है, और अभी हम तीनों निकल चुके हैं यहाँ से माजिन बू से बात करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना जब कल रात को फिरोज़ ने कॉल किया था माजिन बू को, तो इन दोनों के बीच में एक बात हुई थी कि ना ही तो हम यहाँ से अपने बंदे लेके जा सकते हैं, और ना ही तो जो माजिन बू है वो वहाँ पे अपने बंदे लेके आएगा, तो सिर्फ मैं यहाँ पे और जो अपना फिरोज़ है और जो बाबर है, तो हम तीनों यहाँ से जाएंगे, और वहाँ पे भी जो सिर्फ माजिन बू अकेला आएगा, वहाँ पे अपने बंदों को लेके आने वाला नहीं है। लेकिन देखो आज यहाँ पे हम जाने वाले हैं फिरोज़ की लिमोजीन में, यहाँ पे इसने कहा था कि भाई हम भी बड़े बंदे हैं तो यहाँ पे छोटी मोटी कार में तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए आज हम इसकी ये जो लिमोजीन है जो कि हमने पिछली बार चुराई थी भाई, उसके बाद से हमने इसको छुआ नहीं था, लेकिन अभी हम इसको चलाने वाले हैं। अभी यहाँ से हम निकलते हैं सीधा फिरोज़ को लेके और बाबर को लेके। अब देखो यहाँ पे ना हमें जाना उसी वाली जगह पे। आपको याद होगा कि एक बार ना फिरोज़ से जब हमने फिरोज़ की सारी कार चोरी करी थी, तो इसने कहा था कि इसकी कुछ पेंटिंग चुरा के लानी है, तो वो जो घर था ना, वो जो फार्म हाउस था वो माजिन बू का था। ठीक है तो हमें उसी जगह पे जाना है, माजिन बू वहीं पे आने वाला है, तो वहीं पे हम चलते हैं फटाफट से और वहाँ पे जाके बात करते हैं, देखते हैं कि फिरोज़ और माजिन बू के साथ में उनके बीच में आखिरकार क्या बात होती है, और आखिरकार जो लास्ट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या आता है। तो ठीक है, और वो जगह आपको पता है कि जो वाइनवुड हिल्स है उसके पीछे है, तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, लेकिन कोई नहीं अभी हम फटाफट निकलते हैं अपनी लिमोजिन लेके यहाँ से। और भाई साहब इतने दिनों बाद हम यहाँ पे जो लिमोजिन है वो चला रहे हैं, अपने पास खुद की तो है नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं यहाँ पे हम ले लेंगे। वैसे देखो मैंने सोचा था कि आज ना हम एक नई कार खरीदेंगे, बट कोई नहीं अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मकबूल को बचाए। तो ठीक है वो सब बाद में बातें जो हैं हम बाद में करेंगे, अभी फटाफट जो अपनी कार है उसको यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा हम माजिन बू के पास उससे बात करने के लिए। तो गाइस देखो यहाँ पे हम तीनों आ चुके हैं माजिन बू के फार्म हाउस के पास में। अगर आपको याद हुआ कि बहुत टाइम पहले हम यहीं पर आए थे पेंटिंग्स को चुराने, अब देखो यहाँ पे ना गाइस आते समय हमने थोड़ी सी प्लानिंग बनाई थी। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि माजिन बू कह रहा है कि अगर वो बंदे लेके नहीं आएगा तो इसका मतलब ना लाए, वो कुछ भी साजिश रच सकता है, इसलिए हमने अपने को बोला था कि हमारे पीछे पीछे रहना लेकिन थोड़ा सा गैप बना के रहना। तो देखो अभी शायद से सामने वो रहा माजिन बू, वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे माजिन बू से मिलने वाला हूँ। तो ठीक है वैसे मुझे लग तो रहा यही है, इसके आसपास कोई बंदा तो नहीं है, दो बंदे पीछे खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए वो तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे इतने कुछ बंदे वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आए, तो ठीक है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ईमानदार तो है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे हमसे तो बात करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फिरोज़ से बातचीत इसकी स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कि आखिरकार इनकी बातचीत कहाँ तक चलती है, क्या लास्ट में रिजल्ट निकलता है, वो तो हमें बातचीत के बाद ही पता चलने वाला है। तो गाइस देखो अभी ना इनके बीच में काफ़ी देर तक मीटिंग चली थी, और यहाँ पे जो बातचीत है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे जो नतीजा आया है सामने वो ये है कि देखो यहाँ पे जो माजिन बू है वो मान तो चुका है कि वो मकबूल को हमें लौटा देगा, लेकिन उसकी यहाँ पे एक शर्त और है।
अब गाइस देखो, पहली बात ये कि आपको याद होगा कि हमने इसके घर से पेंटिंग चुराई थी, लेकिन उस समय पेंटिंग्स वैसे फिरोज की थी, लेकिन उस टाइम हमने काफ़ी बंदों को मारा था। जो माजिन बू के गैंग के बंदे थे, इसके बंदे थे, कम से कम हमने 100-150 बंदों को मारा था। तो यहाँ पे माजिन बू कह रहा है कि देखो, तुमने बाबर को यहाँ पे उठा लिया, वो ठीक है, उसके बदले यहाँ पे वो वापस तो कर देगा मकबूल को, लेकिन जो इसके बंदे हमने इतने सारे मार दिए उनका क्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम मकबूल को यहाँ पे वापस लेना चाहते हो, अगर यहाँ से बचा के ले जाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे जो माजिन बू, उसने हमें ये कहा कि देखो, इसका ना एक भाई है, यहाँ पे जो माजिन बू है उसका एक भाई है जिसका नाम किंग का है, उसको ना यहाँ पे कुछ जो पुलिस वाले उन्होंने धर लिया। अब यहाँ पे कुछ उसने ऐसे कांड किए थे जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने उसको धर लिया। अब पहले तो उसको उन्होंने जेल में रखा था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी उसने 2-3 बंदों को मार दिया, जिसकी वजह से वो सब उसको वहाँ से उठा के उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। और वो जो जगह है वो बीच एक ओशन में है, एक समुंदर के बीच में वो जगह है जहाँ पे उन्होंने किंग काय को छुपा के रखा है। तो देखो, अगर हम मकबूल को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें इसके भाई किंग काय को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे जो माजिन बू है साफ कह रहा है कि भाई को तुम बचाओ और साथ में अपने भाई को ले जाओ। तो देखो, अभी गाइस देखो, हमारे पास यही एक काम है कि हम जाएंगे अभी वहाँ पे, फटाफट सीधा चलते हैं उसी जगह पे जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे चल के जो इसका भाई है किंग काय है उसको बचा के लाते हैं, नहीं तो ये मकबूल को वापस नहीं करेगा। तो देखो, अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो फिरोज़ है, पहले मुझे इसको घर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से फिरोज़ को हम अपने साथ लेके जाएंगे नहीं, हम यहाँ से अकेले जाएंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं, इसको घर छोड़ते हैं, और गाइस उसके बाद हम निकल लेते हैं उसी जगह के लिए जहाँ पे किंग काय को पकड़ के रखा गया है। तो गाइस देखो, अभी ना यहाँ पे जो फिरोज़ है उसको तो मैंने यहाँ पे घर छोड़ दिया, लेकिन देखो यहाँ पे जो ट्रेवर है वो अभी अपने साथ आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे मैंने इसको फ़ोन करके पूछा था कि भाई इनकी हालत कैसी है, लेकिन इसने कहा भाई ये तो पहले से ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन की हालत अभी भी बेकार है। तो यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे जो ट्रेवर है वो अभी यहाँ पे अपनी मदद करने के लिए आ चुका है। वैसे मैंने इसको कहा था कि भाई अभी रहने दे, आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले जब ठीक हो जाए एक बार उसके बाद अपने साथ चलिए, लेकिन यहाँ पे भाई ये माना नहीं। इसने कहा कि मैं तुझे अकेले जाने नहीं दूंगा, और इसलिए जो ट्रेवर है वो अभी अपने साथ चलने वाला है। तो देखो, यहाँ पे जो ये हेलीकॉप्टर है, इसका भी जुगाड़ जो फिरोज़ ने अभी फटाफट से करवा दिया है, क्योंकि जो आपको याद होगा जो पिछला हेलीकॉप्टर था जिसमें हम मकबूल को लेने गए थे एयरपोर्ट पे, भाई वो तो हमने यहाँ पे लाते समय क्रैश करवा दिया था, उसके जो पीछे का हिस्सा था भाई वो टूट गया था। तो इसीलिए यहाँ पे फिरोज़ ने एक नया जो हेलीकॉप्टर है इसका यहाँ पे जुगाड़ करवा दिया था। तो अभी फटाफट इसको यहाँ से लेके निकलते हम सीधा उसी जगह पे लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो जगह है वो बीच समुंदर के बीच में, तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है वहाँ पे पहुँचने के लिए। और देखो, हमें ना शाम होने से पहले पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जब शाम हो जाती है तो वहाँ से उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दिन में हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि शाम को और रात को वहाँ पे और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और गाइस देखो, यहाँ पे ना माजिन बू ने हमें एक बात और बताई थी। अब देखो, उसने ये बताया कि जिन्होंने किंग काय को पकड़ के रखा है ना उस जगह पे, वो भाई पुलिस वाले नहीं है, वो कोई स्पेशल कॉप्स है, स्पेशल कॉप्स है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भाई बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन अभी अपने साथ एक ड्राइवर तो है जो कि अपना साथ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो गाइस देखो, अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे फटाफट हम निकल लेते हैं सीधा उसी जगह के लिए जहाँ पे किंग काय को पकड़ के रखा गया है। ठीक है गाइस देखो, अभी यहाँ पे मैं और ट्रेवर आ चुके हैं उसी जगह पे, और देखो जो सामने आपको बोट दिख रही है ना, बोट ही है या फिर कुछ और है भाई यहाँ पे? नहीं नहीं बोट नहीं है भाई, दूर से तो ऐसा लग रही थी कि बड़ी सी ये शिप है, लेकिन भाई ये तो कुछ अजीब सी जगह है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है। यहाँ पे रुको, और देखो यहीं पे उसके भाई को छुपा के रखा गया। लेकिन देखो, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दूर दूर तक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हम अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करवा सके, लेकिन देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कूद भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कूदेंगे तो क्या पता उन बंदों ने अगर देख लिया हमें पानी में कूदते हुए, तो यहाँ पे हमें पानी के अंदर ही वो ख़त्म कर दे। और हमें अपना जो हेलीकॉप्टर है उसको भी यहाँ पे सेफ रखना है, ताकि जब हम उसके भाई को यहाँ से बचाएं तो इसी हेलीकॉप्टर में हम उसको यहाँ से लेके निकलने वाले हैं। तो एक काम करते हैं गाइस देखो, अभी अपने पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें जो अपना हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पे नीचे लैंड करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नीचे वैसे मुझे एक बंदा भी नहीं दिख रहा यार, यहाँ पे हम बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पर हैं जैसा कि माजिन बू ने हमें कहा था। तो ठीक है, यहाँ पे जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करते हैं। एक यहाँ पे मिलिट्री वाला खड़ा भी है, निकलते रही यहाँ से, इसके सर के ऊपर यहाँ पे भाई भाई एक मिनट, अबे भाई साहब यहाँ पे आते आते स्वागत कर दिया भाई, तो रुको ना थोड़ा सा, रुको यार थोड़ा सबर करो। यहाँ पे जैसे उतरे भाई वैसे ही यहाँ पे इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, तेरी यहाँ पे तू मारेगा यार, निकल तेरी यहाँ से। अबे भाई थोड़ा सा कवर लो, पहले कवर लो उसके बाद इनको मारेंगे, चल तेरी यहाँ से निकल। उसके बाद एक यहाँ पे भी खड़ा, रुको यहाँ पे तू भी निकल,
यहाँ पे तू भी निकल, यहाँ पे ठीक है ड्राइवर भी आ चुका है, ओके यहाँ पे भाई साहब ड्राइवर भी आ चुका है, तो अभी एक काम करते हैं यहाँ पे अपनी M4 वगैरह नहीं ले, भाई साहब M4 मेरे पास पड़ी नहीं है, शीट शीट मुझे खरीदनी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं अभी जो अपने पास ये ऑग वगैरह पड़ी है हम इसी से काम चलाते हैं। ओहो भाई ट्रैवल अभी इसको यहाँ से मशीन गन कैसे मिल गई? अच्छा मुझे लग रहा कि वो जो मिलिट्री वाला था ना जिसको हमने मारा था उसी की जो मशीन गन है उसने उठा लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे गए, देख लो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं, तो अभी एक एक करके हमें सबको मारना पड़ेगा। और एक मैं चीज़ और बताऊँ, अभी अपने ऊपर यहाँ पे 5 स्टार की पुलिस भी लग चुकी है, तो जो पुलिस है वो यहाँ पे किसी टाइम आती होगी, तो उससे पहले जब पुलिस यहाँ पे आए तो उससे पहले जो यहाँ पे किंग का है हमें उसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये तो मिलिट्री वाले कुछ ज़्यादा ही है भाई, और देखो जो सामने मुझे बड़ा सा टावर दिख रहा है ना, जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है शहर से, उसी में किंग काय को छुपा के रखा गया है। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर एक दो बंदे और हैं, पहले इनको मारते हैं ठीक है, उसके बाद आराम से हम चल के ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी जितने बंदे थे अभी आगे भाई पुलिस वाले आगे भाई साहब, मुझे तो लग रहा था अभी अभी काफ़ी देर बाद आएंगे, लेकिन कोई नहीं इनको ना एक काम करता हूँ, एक ही बार में इनको यहाँ पे घर भेजता हूँ, तेरी यहाँ से निकलो निकलो यहाँ पे सीधा बूम बम करेंगे भाई, चीथड़े उड़ा देंगे। तो ठीक है एक काम करा जाए भाई, ड्राइवर पीछे पीछे रहियो यहाँ पे कवर देता रहियो ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर को भी कुछ होना नहीं चाहिए। एक काम करा जाए यहाँ पे, ओ भाई साहब यहाँ पे कितने खतरनाक खतरनाक इनके जो हेलीकॉप्टर वगैरह वो खड़े हैं, देखो सामने मुझे एक आध बंदा और दिख रहा भाई, यहाँ पुलिस वाले और आ गए भाई साहब, इनको यहाँ पे पता लग चुका है, तो इसका मतलब साफ है भाई यहाँ पे एक एक करके ये भी आते रहेंगे, ये ना भाई और दिमाग ख़राब करेंगे, लेकिन निकलो भाई सीधा बूम बम करेंगे हम। तो ठीक है अभी फटाफट चलते हैं अंदर, यही मुझे लग रहा है वो टावर है जिसके अंदर उसके भाई को छुपा के रखा गया। भाई ड्राइवर पीछे पीछे आ जा जल्दी से, यहाँ पे कवर दियो, यहाँ पे सायरन बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब और भी ज़्यादा मिलिट्री वाले बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, सबको पता चल चुका है और पुलिस भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो चुकी है, तो उससे पहले यहाँ पे और पुलिस इकट्ठी हो हमें जो किंग का है उसको यहाँ से बचा के ले जाना पड़ेगा ठीक है। अभी ओ भाई 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 अभी भाई भाई कहाँ गए कहाँ गए ये, मर जाओ मर जाओ मर जाओ भाई साहब, ये एकदम से सामने आ गया था, और यहाँ पे पता नहीं किस रूम में उसके भाई को छुपा के रखा है। भाई ड्राइवर चल आगे चल आगे चल, यहाँ पे कवर दे पहले मुझे भाई साहब, यहाँ पे सीढ़ियों पे मुझे लग रहा है कोई खड़ा ना हो ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं, ओके यहाँ पे फटाफट चलते हैं ऊपर, यहाँ पे कौन सा रूम है भाई जिसमें उसके भाई को छुपा के रखा गया है, यहाँ पे तो मुझे अभी आसपास कोई दिख नहीं रहा है, काम करा जाए ठीक है यहाँ पे कुछ बंदे आएंगे, लेकिन यार ये तो मिलिट्री वाले यहाँ है, कोई नहीं इनको तो मारेंगे, निकलो निकलो बेटा सारे के सारे निकलो सब निकलो। अभी किस पे मैंने गोली मार दी, अच्छा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पे लगी, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे ओ भाई साहब यहाँ पे जो पुलिस, अबे नीचे आ गए भाई, एक मिनट यहाँ पे तुम निकलो पहले गाइस, यहाँ पे भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, देखो यहाँ पे मिलिट्री वाले हैं, ऊपर से यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है, और पता नहीं वो जो भाई है उसका कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा है भाई, अब पता नहीं जो उसका भाई है जो किंग का है उसको पता नहीं भाई किस रूम में इन्होंने छुपा के रखा है, अभी तक तो मुझे यहाँ पे वो दिखा नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ट्रैवर ना ऊपर ढूंढ रहा है उसके भाई को, तब तक एक काम करते हैं अभी ना यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं चाहे मिलिट्री वाले हैं इन सबको यहाँ पे थोड़ा इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा, ताकि ट्रैवर आराम से जो किंग का है उसको यहाँ पे ढूंढ ले, उसके बाद हम जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। अभी तेरी निकल यहाँ से, निकलो निकलो सारे के सारे निकलो भाई, यहाँ पे कसम से बहुत ही ज़्यादा पुलिस आ चुकी है। अभी पीछे से कौन मार रहा है, ये मारा नहीं क्या, आधा मारा है फिर भी मारे जा रहा है, देखो ऊपर भी भाई साहब यहाँ पे कसम से बहुत ही ज़्यादा, अभी दोनों गए भाई एक ही बार में, दोनों के दोनों गए ठीक है। यहाँ पे एक काम कर जाए, अबे पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश ठीक है, यहाँ पे इनको आने दो, पहले इनको आने दो, इनको तो अपनी तोप से उड़ाऊंगा भाई मैं अपनी, अबे मिस होगी भाई भाई यहाँ पे मिस होगी, लेकिन कोई नहीं एक बार ना थोड़ा सा इनको आ गई भाई यहाँ पे बूम बाम बार बार थोड़ी मिस करेगा यहाँ पे तुम्हारा भाई, भाई बच गए भाई, यहाँ पे जो हिस्सा था ना भाई एरोप्लेन का भाई मेरे सर के ऊपर आके गिरता, शुक्र है भाई हम थोड़ा सा आगे चल गए थे, लेकिन पता नहीं ट्रैवर को अभी जो किंग का है वो मिला है या फिर नहीं, लेकिन तब तक यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सबको मारना पड़ेगा यार, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर, अबे इसको मार भाई इसको मार, निकल तेरी यहाँ से इसको मार, यहाँ पे इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो गाइस देखो अभी ना फटाफट करके जो किंग का है हमें उसको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा गाइस, पता नहीं यहाँ पे ट्रैवर ने तो मुझे लग रहा है कि जितने भी रूम थे इन सबको यहाँ पे ढूंढ छान मारा, लेकिन भाई इसका भाई पता नहीं कहाँ पे है यार, कहीं कोई खुफिया यहाँ पे डोर वगैरह तो नहीं है जहाँ पे उसको छुपा के रखा गया हो गाइस, हमें ना फटाफट जो किंग का है उसको यहाँ से ढूंढ के निकलना पड़ेगा। सबसे पहले इनको बताऊँ भाई यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं ना पहले सबको मारूँ, यहाँ पे इन्होंने अलग ही दिमाग खराब कर रखा है। देखो यहाँ पे ट्रैवल फिर से यहाँ पे नीचे ढूंढने चल चुका है यहाँ पे किंग काय को, तब तक वो ढूंढता तब तक एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी बंदे आ रहे हैं पहले इनको मैं यहाँ से उड़ाता हूँ। अबे भाई भाई यहाँ पे अबे पीछे से भी पड़ रहे हैं भाई कसम से, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाई लग जा भाई यहाँ पे, रुको एक मिनट अब तो पूरा निशाना बिठा के मारेंगे और करेंगे भाई भाई यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे सारी एमो खत्म होगी भाई, उसकी सारी एमो खत्म होगी, तो अभी यहाँ पे जो अपनी गन है मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा।
लेकिन गाइस मुझे पता है यहाँ पे हम बहुत ही गंदा फंस चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स है, बहुत ही ज़्यादा पुलिस फोर्स है, और 5 स्टार की पुलिस से पीछे छुड़ाना आपको पता है भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कोई नहीं, अभी आरपी ये ख़त्म होगी, लेकिन अपने पास वो भी तो पड़ी है ना, अपने पास एक लॉन्चर और पड़ा है भाई, अपने पास एक आरपीजी और पड़ी है, तो इसी से हम बूम बम करने वाले हैं। चलो निकलो 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 सारे के सारे ऊपर चलो, यहाँ पे इसकी भी बारी, यहाँ पे ओ भाई भाई बिल्कुल क्लोज था भाई साहब, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लोज था, लेकिन ये पूरा निशान है पे, ये पूरा परफेक्ट। और अब बारी इस लास्ट हेलीकॉप्टर की, इसको फोड़ते हैं और जल्दी से जो किंग का है उसको हम यहाँ से लेके निकलते हैं। अबे फुट जाना, चलो गाइस अब ये काम करते हैं फटाफट, जो किंग का है हम उसको यहाँ से लेके निकलते हैं, क्योंकि ये जो पुलिस वाले हैं भाई ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो गाइस देखो अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद जो माजिन वू का भाई है यानी कि जो किंग का है उसको हमने ढूंढ निकाला है भाई। यहाँ पे ना इसको एक बहुत ही सीक्रेट रूम में रखा गया था, लेकिन अभी हमने इसको यहाँ से ढूंढ निकाला है। अभी देखो जो इनका हेलीकॉप्टर है हम इसी को यहाँ से लेके जाने वाले हैं, क्योंकि अपना जो हेलीकॉप्टर है भाई उसमें सिर्फ 2 सीट है, तो उसमें 2 से ज़्यादा बंदे बैठ नहीं सकते। तो अभी जो इन्हीं का हेलीकॉप्टर है हम इसी को यहाँ से लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मुझे पता है कि और भी ज़्यादा पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे मिलिट्री के बंदे भी काफ़ी सारे आ सकते हैं, तो जब तक वो यहाँ पे आए उससे पहले हमें यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा। तो ठीक है अभी ना फटाफट जो अपना हेलीकॉप्टर है इसको जल्दी से यहाँ से लेके निकलते हैं। पहले हम जाएंगे फिरोज के पास, ठीक है, वहाँ से हम सारे के सारे जाने वाले हैं माजिन बू के पास, और वो जो मकबूल है वहाँ से हम उसको वापस लेके आने वाले हैं। तो ठीक है देखो आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करता है। अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।